हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है हमारे चैनल पे यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं अमीरो का आईपीओ पर रेक्स आई पी ओ यहाँ पर कोई टीवी वाला नहीं बताता कोई कुछ uh, कोई यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर हमने बताया जस्ट बिकॉज यहाँ पर आपका जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली exactly ये किस तरीके का आईपीओ होते हैं और एसएमई आईपीओ क्या होता है उससे रिलेटेड कल वीडियो आएगी तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा बाकी हम बात करने वाले इस वीडियो में तो इस वीडियो में बात करने वाले एक पेनी स्टॉक कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं एक छोटा स्टॉक पचास रुपये की रेंज का स्टॉक है जिसमें मुझे पोटेंशियल बहुत ज्यादा नजर आता है आ, उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स अभी नजर आ रहे हैं बट उसके अगर पॉजिटिव पॉइंट्स देखें तो काफी अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स है तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं जानते हैं इस शेयर से रिलेटेड उसके फंडामेंटल फाइनेंशियल एंड टेक्निकल बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स और एक मेन रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप कोई भी वीडियो देखें कृपया लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब उस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करता है और आप के मतलब की ना हो शायद वो वीडियो बट दूसरे के मतलब की और दूसरा वहां से बहुत अच्छी खासी नॉलेज ले सके और अच्छा खासा पैसा बना सके तो ऐसा हो सकता है तो इसलिए लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए तो आइए वीडियो की की तरफ चलते हैं और यहां पर कोई बैंक सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है यहाँ पर केवल आपको सीखना है किस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं स्टॉक की तो वो सीख के आप शॉर्ट अच्छा टर्म में ही भी अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं जिस स्टॉक से रेटेड हम बातें कर रहे हैं जैसे कि आज अभी मार्केट चल रही है आप देख सकते हैं सेवन पॉइंट एट यहाँ पर ये यह भाग चुका है और ऑलरेडी मैं इसमें बायर हूँ और ज, जब से मैं लास्ट टाइम के इसके रिजल्ट आए थे तब तो से मैंने इसके रिजल्ट पढ़े छानबीन करी देखा फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आज की डेट में देखते हैं। तो आज की डेट में अच्छा खासा शेयर भागा हुआ है और अब बात करें अभी थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन या थोड़ा तो नीचे आती हुई दिखाई दे रही है तो इस वजह से ये भी नीचे आ रहा है आज की डेट में सोलह सत्रह परसेंट भागता हुआ दिखाई दिया था अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखे तो देखिए दो में ही कंपनी आती हुई दिखाई दी अच्छे खासी भागी। उसके बाद से एक अच्छे खासी गिरावट भी भी है तो इस को भी आप देखिए कि इसमें अच्छी खासी गिरावट है और अभी भी नीचे के लेवल पर ही ये शेयर चल रहा है जहाँ पर मार्केट में सारे के सारे शेयर पैंडमिक में आने के बावजूद बा, के बाद अच्छा खासा भाग चुके हैं बट ये शेयर यहाँ पर गिरा हुआ है क्या रीजन है गिरने के पीछे वो बात करेंगे और आगे भाग सकता है कि नहीं उसके रिलेटेड बातें करेंगे तो आइए और भी चीजों की जान लेते हैं इस सबसे पहले इसका तो इसका बिजनेस मॉडल देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर इस द मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ एलईडी एंड एलाइड प्रोडक्ट्स मतलब एलईडी और एलाइड प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती हुई दिखाई देती है तो मतलब ये क्या कौन सा प्रोडक्ट होते हैं देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इनका है ये क्या करते हैं पहले देख लेते हैं मैनुफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग क्वालिटी कंट्रोल पैकेजिंग एंड डिस्पैच यहाँ पर ये यह कंपनी प्रोडक्ट्स करती हुई प्रोडक्ट्स

ओके okay, ये, ये लाइट्स केवल यही बनाती है इसके अलावा बात करें एलईडी सोलर इस्ट, स्ट्रीट लाइट मतलब स्ट्रीट लाइट जो आपको दिखाई देती है ओके okay, यही कंपनी है जो आपको सोलर लाइट बनाती हुई दिखाई देती है एलईडी में भी सोलर इसके अलावा देखिए अपोलो एलईडी डाउन लाइट इस तरीके की यहाँ पर एलईडी प्लास्टिक बॉडी पैनल लाइट्स इसके अलावा एल एलईडी एल्यूमिनियम बॉडी पैनल लाइट्स मतलब अलग अलग तरीके की ये लाइट्स बनाते हुए दिखाई देते हैं 2009 में अक्टूबर में हुई थी स्पेश, स्पेशलिस्ट की बात करें 2011 में यहाँ पर स्पेशलिस्ट थी 2012 की बात करें नॉट जस्ट सेल्स वी डेवलप एंड सेटअप मतलब ये बेचते ही नहीं है ये खुद बनाते भी है इस ये सारे प्रोडक्ट को उनकी जो ये अभी जर्नी है अभी चालू है और आगे की तरफ चलती रहेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट जस्ट सेल्स वी डेवलप है यहाँ पर इस कंपनी के बारे में यहाँ पर आप देख यहाँ पर फैसिलिटी आर ग्लोबली कॉम्पिटेटिव इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सिग्निफिकेंट बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग एंड शीट मेटल तो अगर हम बात करें इन साफ साफ एल तो ई लाइट बनाती हुई ये प्रो ये कंपनी नज़र आती है इनके प्रोडक्ट्स और इनकी वेबसाइट पे जाके आप और भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं तो जैसे जैसे लोग आगे बढ़ेंगे ओके okay, जैसे जैसे घर बढ़ रहे हैं जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तो इन लाइटों का यूज़ हो नहीं है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर, पर यूज़ होना है और ये लाइटों का फायदा क्या है कि ये बड़ी बड़ी लाइट्स हो या छोटी लाइट हो या सी एफ हो या एल हो यहाँ पर सेवेंटी तक ये अपनी आपकी इलेक्ट्रिसिटी को भी बचा रही है जिसमें आपका पैसा भी बच रहा है एज वेल

छोटी कंपनी है मार्केट uh, कैप की बात करें एक करोड़ रुपए की कंपनी है ओके okay, तो ये पेनी स्टॉक कह सकते हैं आप इसे पी रेशो -E की देखे तो पी रेशो -E यहाँ पर देखना बेकार है आर ओ देखे तो वन पॉइंट फोर सेवन का आरओसी डेट फ्री कंपनी कह सकते हो केवल दस परसेंट का डेट है बुक वैल्यू देखिए उसी के आसपास यहाँ पर शेयर चल रहा है ये सारी की सारी इसकी हो गई पॉजिटिव पॉइंट्स अब बात करते हैं और भी चीजों की तो क्वार्टरली रिजल्ट्स तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बताना चाहता हूं यहाँ पर रिजल्ट शायद नेगेटिव या कम होते हुए दिखाई देंगे इसका सिंपल रीजन है कोविड यहाँ पर दो बार कोविड हुआ है और इनका जो बिजनेस है बहुत ज्यादा हैम्पर हुआ है तो यहां पर अगर हम सेल्स देखते हैं पिछले दो मार्च से तो यहाँ पर देखिए इनकी सेल्स घटती हुई आपको नजर आएगी बीच में दो मार्च दो हजार बीस में बड़ी थी दोबारा एक घटती हुई नजर आई है बट दिसंबर से अगर बात करें दोबारा एक पिकअप लेना इन्होंने शुरू किया है यहाँ पर बात करें कंपनी का बट एक ही साल ऐसा था जो नेगेटिव में थी इसके सॉरी एक क्वार्टर बाकी सब क्वार्टर यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर दिखाया है से कुछ लैक्स का प्रॉफिट हो या कुछ करोड़ का प्रॉफिट हो इसके यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो देखिए कंपनी 2011 से यहाँ पर दिखाई दे रही है ओके लिस्ट नहीं है बट इनका अगर फाइनेंशियल की बात करें 2011 से 2021 से पूरे 10 साल होते हैं तो यहाँ पर देखिए 24 लाख रुपए की सेल कंसिस्टेंसी के साथ लाख लाख नब्बे करोड़ इसके अलावा एक सौ एक सौ छह दो हजार बीस तक कंसिस्टेंसी के साथ इन्होंने परफॉर्म करी है दो हजार इक्कीस में यहाँ पर शायद इपेंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा इनका बिजनेस हैम्पर हुआ है जिस वजह से यहाँ पर इनकी जो ग्रोथ है बिल्कुल ना के मतलब आधी से ज्यादा घटती हुई नजर आई है बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि जो एक पीछे जो इनकी पिछली ये ग्रोथ है ये बताती है कि ये कंपनी में कितना ज्यादा पोटेंशियल यहाँ पर 24 लाख की कंपनी 106 करोड़ रुपए की सेल्स करके दिखा रही है तो वो एक काबिले तारीफ है तो इस चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए नेगेटिव जो परफॉर्मेंस था नेगेटिव में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता था वो अठारह करोड़ पॉजिटिव प्रॉफिट में और अभी भी यहाँ पर आज के दिन भी यहाँ पर प्रॉफिट पॉजिटिव है तो ये सारी चीजें अच्छी खासी बताती है प्लस में यहाँ पर कंपनी डेट लगभग डेट फ्री है

प्रोमोटर्स की होल्डिंग प्रोमोटर्स ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग घटाई नहीं है इनको अपने शेयर अगर कम प्राइस पे मिले हैं तो इन्होंने शेयर का यहाँ पर अब खरीदे है मार्च में इन्होंने अपने शेयर खरीदे है यहाँ पर फिर बात करें मार्च uh, बस यही मार्च में यहां पर शेयर खरीदे एफ आई बात करें एफ का इसका सेवन परसेंट और अभी भी लगभग सेवन ही है सिक्स तो ये चीज पॉजिटिव पॉइंट है मतलब फॉरन इन्वेस्टर्स भी है यहाँ पर और सबसे मेन बात जो दिखाता हूँ देखिये पब्लिक के अब पच्चीस परसेंट दिखा रहा है बट ये पच्चीस नहीं यहाँ पर देखेंगे तो फोर यहां पर भी फोर फोर एट ओके यहां पर इलेवन uh, और इसके बाद फोर्टीन 15, 16, 17, 18, मतलब 18% के आसपास की हिस्सेदारी तो ये हो गई मतलब 7% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है और यहाँ पर बड़े बड़े जब ऑपरेटर के हिस्से में यहाँ पर दिखाई देगा दिखाई देगा ऑपरेटर को ये शेयर और एक हथ क्वार्टर के नंबर से इन्होंने पॉजिटिव दिखा दिया जो कि लॉकडाउन बिल्कुल खत्म हो गया है तो ये शेयर फिर भागता हुआ दिखाई देगा और फिर पकड़ में नहीं आएगा इसका चार्ट पैटर्न देख सकते हैं पहले लिस्ट हुआ तो ऊपर गया फिर उसके बाद अच्छा खासा यहाँ पर गिरावट हुई तो यहाँ पर अभी तो नहीं कहूंगा कि मैं यहाँ की ये शेयर यहाँ पर पहुंच जाएगा 186 इजीली

है बाकी हम देखे तो देखिए पहले यहाँ पर बार बार सपोर्ट बना रहा है यहाँ पर भी सपोर्ट बनाया पैंडमिक से पहले फिर यहाँ पर भी इन्होंने सपोर्ट बनाया और यहाँ पर अगर हम देखे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये शेयर अभी भी सॉरी अगर हम यहाँ पर देखते हैं

नंबर भी आपको देखने बहुत जरूरी है अगर नंबर दिखा दिए इस बार के नंबर की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस बार के नंबर तो देखिए एक लॉकडाउन था तो हर किसी के कम आए थे बट एक बार अच्छे इस क्वार्टर के बाद अगले क्वार्टर के भी रिजल्ट अच्छे दिखा दिए उसके अगले तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें एक अच्छी खासी ग्रोथ आ सकती है तो यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म की बैट होगी दूसरी अगर हम बात करें अच्छा खासा ये यहां पर चांसेस मुझे तो दिखाई दे रहे हैं मैं इसमें ऑलरेडी बायर हूं तो आप अपनी खुद की स्टडी करके यहाँ लीजिएगा बाकी वीडियो को लाइक जरूर करिए ओके चाहे दूसरे लोगों के साथ भी आपको आ, यहाँ पर दूसरे लोगों को भी ये मिल so, वीडियो मिलती रहे वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस मिलती रहे। थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस।